नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। शाम होते होते आई बड़ी खुशखबरी। जी हां, सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो बड़े दिनों बाद बड़ी खुशखबरी आई है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, दीपावली से पहले और चुनावों से पहले सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के सामने आई है, फायदे की खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ये लेटेस्ट ट्वीट किया गया है और ये जानकारी साझा की गई है कि कौन सी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। तो इस ट्वीट में लिखा गया है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय को दीपावली से पहले स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पेंशन पाने वाले डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए ओआरओपी भुगतान की तीसरी किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं और बैंक और अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी इसके माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि सभी जो चाहे वो स्पर्श से पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक से ले रहे हो या फिर अन्य एजेंसियों से पेंशन प्राप्त कर रहे हो, सभी पेंशन भोगियों के लिए दीपावली से पहले ओआरओपी के एरियर भुगतान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दीपावली से पहले पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी के एरियर की तीसरी किस्त देने का निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बाबत रक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि हर हाल में पूर्व सैनिकों से दीपावली से पहले यह मिलना सुनिश्चित किया जाए कि करीबन 25 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि दीपावली से पहले किसी भी हालत में सभी पूर्व सैनिकों को ओआरओपी की तीसरी किस्त का लाभ मिल जाना चाहिए, उनके अकाउंट में यह धनराशि पहुँच जानी चाहिए। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यह थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।